अलविश यादव से क्या नोएडा पुलिस ने कांटेक्ट करने की कोशिश की? अभी आप लोग उनको क्या तलाश रहे हैं? कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? क्या क्या रिकवरी? 5 लोग गिरफ्तार हैं। अलविश यादव की क्या भूमिका इस बारे में आ रही है? कैसे उसके नाम का खुलासा? और चीज बात सामने आ रही है कि ये जो रिकवरी हुई है इसमें जो जहरीली चीजें हैं वो रेव पार्टी में इस्तेमाल की जाने वाली थी। हमारे साथ DCP विशाल पांडे, उनसे बात करने की। सर, किस तरह से ये पूरा खुलासा हुआ? इसमें ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे। 47 क्षेत्र में एक हॉल है वहीं से, और इसके पास से 9 जो है सर स्नेक बरामद हुए हैं और 20 ml का स्नेक है वेनम बरामद हुआ। और इसमें हमने टीमें बनाई हैं, सभी बिंदुओं का हम परीक्षण करा रहे हैं। इसमें जो भी दोषी उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? क्या क्या रिकवरी हुई? 5 लोग गिरफ्तार हैं और 9 स्नेक बरामद हुए हैं, लगभग 20 ml स्नेक बरामद। अच्छा सर, अलविश यादव की क्या भूमिका इस बारे में आ रही है? कैसे उसके नाम का खुलासा हुआ? जो वादी है इसमें उन्होंने बताया था कि उनके लोगों के द्वारा अलविश यादव संपर्क किया गया था। अलविश यादव ने ही राहुल का नंबर दिया था और इस सभी बिंदुओं का हम लोग, हमारी जो टेक्निकल टीम है, सभी बिंदुओं का गहनता से परीक्षण कर। अच्छा, एक और चीज बात सामने आ रही है कि ये जो रिकवरी हुई है इसमें जो जहरीली चीजें हैं वो रेव पार्टी में इस्तेमाल की जाने वाली थी। देखिए, सभी बिंदुओं का हम लोग कहाँ कहाँ पे कैसा रहा है और हम लोग इसमें CCTV फुटेज अन्य सभी चीजों का हम परीक्षण कर रहे हैं, और सभी परीक्षण के बाद इन सभी बिंदुओं को हम लोग स्टेब्लिश कर रहे हैं जो बिंदु प्रकाश में है। अच्छा, अलविश यादव से क्या नोएडा पुलिस ने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की? अभी आप लोग उनको क्या तलाश रहे हैं? हम लोग निश्चित तौर पर, हमारी टीम जाएगी, हमारी टीम जा गई हुई है और हमारी टीम पूछताछ भी करेगी और इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई भी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विशाल पांडे, जिनका कहना है कि अलविश यादव की तलाश की जा रही है। कैमरामैन लोकेन्द्र पांडे के साथ अरविंद ओझा।